नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इशॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जील एक्वा लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला था। अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के 52 वीक लो से हाई को, आप देखेंगे इस कंपनी का लो था 5 रुपये 26 पैसे और इस कंपनी का हाई था 16 रुपये 5 पैसे। अगर कंपनी के करेंट प्राइस की बात करें तो 7 रुपये 70 पैसे के पास इस टाइम यह कंपनी चल रहा है। तो ऐसे में क्या इस कंपनी में अगेन बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा? यह कंपनी कब तक भागेगा? जो लोग बाई कर चुके हैं ऊपर प्राइस पे, उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी जिस हिसाब से गिरते हुए नीचे चला जा रहा था, अब यह कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है सेम लेवल पे, जो कि काफी अच्छी भी बात है। क्योंकि अगर यह कंपनी यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना लेता है तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। तो यहां से कंपनी को बाउंस बैक करने में ज्यादा मदद मिलेगा। तो देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे 7 रुपये 20 पैसे के पास इस कंपनी का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा और 8 रुपये 70 पैसे के पास इस कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही यह कंपनी 8 रुपये 70 पैसे का लेवल तोड़कर इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी का अगला लेवल हो जाएगा 10 रुपये 10 पैसे के पास में। इस बात का जरूर ध्यान रखें, यानी कि जैसे ही यह कंपनी 8 रुपये 70 पैसे का लेवल तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं उन्हें बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। और जब तक यह कंपनी इन दोनों रेंज के बीच में चल रहा है तब तक आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए इस शेयर के अंदर। जो लोग अभी तक इस कंपनी को होल्ड करके चल रहे हैं वो कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने होल्ड किया है तो आगे के लिए भी वो होल्ड करके ही चलें। लॉन्ग टर्म में यह कंपनी बाउंस बैक करता है तो आपको रिकवर होता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।